वो काफी बड़ा रखा गया है, जिससे कि जब इसमें ज्यादा मटेरियल लोड हो गया, आपका थ्रेसर का या ट्रैक्टर का आरपीएम गिरने लगा है, तो सिंपली आपको करना है इसे खींचना है। यहाँ और देख सकते हैं इसे बना दिया गया है मल्टी स्पीड। ये मल्टी स्पीड की एक सिंगल बंदा इस जाली को बदलने में सक्षम है। सिर्फ दो बोल्ट आपको खोलना है और अंदर की जो जालियां हैं, छन्नी है, वो भी आप एक सिंगल बंदा ही इसे बदल सकता है। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, ये सिंगल गियर लीवर से ही टोकरी जो है वो उठने लग गया। इसके अलावा आज हम आपके पास लेकर आए हैं डिफरेंट तरीके का थ्रेसर, और इस थ्रेसर में दिया गया है ऐसे ऐसे फीचर जो किसान के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। सबसे पहली बात किसान भाइयों, जो हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं ये है टोकरी मॉडल, और ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है किसान भाइयों। इसमें आप फल्ली भी ले सकते हैं, बिल्कुल सरदार जी फल्ली लेंगे, फल्ली ले सकते हो, धान ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, मक्के ले सकते हो, हर प्रकार की फसल आप इस थ्रेसर से ले सकते हो। वो तो सभी थ्रेसर लेते हैं, लेकिन इस थ्रेसर में क्या कुछ अलग है आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। मैं धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूँ इंडिया मोटर कार पे, और मेरे साथ जो रहेंगे सरदार जी। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं जी? बढ़िया जी। सरदार जी हमारी जो थ्रेसर है, सबसे पहले हम इसमें डिफरेंट फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको पास से दिखाने वाला हूँ इस थ्रेसर में। किसान भाइयों जो है वो चूहा का इस्तेमाल किया गया है, और ये प्रॉपर बैलेंस अगर मैं आपको पास से यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसकी बैलेंसिंग भी की गई है, ताकि जो ये जो चूहा है इसका जब रोलिंग हो वो झटके ना मारे, सीधा स्मूथ चलते रहे और मटेरियल को खींचते जाए। इसके अलावा किसान भाइयों ये जो टोकरी मॉडल है, इसका जो बकेट एरिया है वो काफ़ी बड़ा रखा गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ये खींच सके। इसके अलावा जो इसके अंदर का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, फीडर एंगल इसमें लगा हुआ है किसान भाइयों, जो कि लोहे का होता है, जिसके खींचने की क्षमता चेन से बहुत ही अच्छी होती है, चेन से ये खींचता है। इसके अलावा किसान भाइयों होता क्या है, हम इसमें मजदूर कम लगते हैं, एक बंदा इसे सिर्फ डालते जाएगा। वाले थ्रेसर में क्या होता है, एक लेके आता है वो ऊपर चढ़ा रहेगा, ऊपर डालेगा, ये टोकरी मॉडल में वो सिस्टम बिल्कुल भी हट जाता है, बिल्कुल सरदार जी। इसके अलावा किसान भाइयों एक और अच्छी चीज आपको मैं बताता हूँ, जब इसमें ज्यादा मटेरियल लोड हो गया, आपका थ्रेसर का या ट्रैक्टर का आरपीएम गिरने लगा है, तो सिंपली आपको करना है इसे खींचना है, और इसे खींच के अगर इस लीवर को आप हटा देते हैं तो इस लीवर से काम क्या होता है आप देख सकते हैं वहां पे साइड में, आप देख सकते हैं ये जो है इस बेल के टेंशन को देता है और हटाता है, जिससे कि क्या होता है आपका टोकरी कुछ कुछ पल के लिए रुक सा जाएगा और थ्रेसर के अंदर जितना भी मटेरियल है या फसल है वो पूरा निकल जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों और क्या डिफरेंस है इसमें, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, पीछे लेके आता हूँ मैं। इसमें पीछे में किसान भाइयों ऐसा हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जो इस थ्रेसर को और भी बेहतर बनाता है। किसान भाइयों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे बना दिया गया है मल्टी स्पीड। ये मल्टी स्पीड किसके लिए है, कैसे काम करेगा, तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, ये सिंगल शाफ्ट से चलता है जो कि चार बेरिंग पे लोड में रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों आपके ट्रैक्टर का जो आरपीएम है वो सिंगल रहेगा, एक सिंगल आरपीएम में चलेगा, लेकिन जो पंखे के स्पीड है उसे आप इस मल्टी स्पीड पुलियों के माध्यम से बदल कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा फसल आपका एक समान तो जाते रहेगा, लेकिन पंखे की स्पीड बढ़ा देने से क्या होगा कि उसकी सफाई बढ़ जाती है। दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका पंखा है, ये टोटल कितने पंखे की थ्रेसर है सरदार जी, ये पांच पंखे की थ्रेसर है। इसके अलावा जो पहला पंखा आप देखेंगे इसकी साइज जो है इस थ्रेसर में बड़ी रखी गई है, जिससे कि ज्यादा हवा का दबाव बने और इससे शुरुआत से ही पूरे कचरे जो है वो साफ हो जाए। उसके बाद जो दूसरा पंखा है इसकी साइज आप इससे देख सकते हैं छोटी रखी गई है, ये भी जो है वो काफी अच्छा साफ करेगा। और जो तीसरा पंखा आप देख रहे हैं ये बदरे के लिए होता है, जिसमें दाने अंदर भरे नहीं रहते, जैसे कि दूध ना भरा होता है खाली खोखले रहते, वो उसको इससे निकाल के दे देगा। इसके अलावा किसान भाइयों मैं आपको सामने लेकर चलूं तो यहाँ की जो थ्रेसर की जाली है वो दो टुकड़े में आपको मिलती है, पहला टुकड़ा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बीच से ज्वाइंट, और ये दूसरा टुकड़ा, जिससे कि एक सिंगल बंदा इस जाली को बदलने में सक्षम है। अगर आप गेहूं के लिए लेते हैं, धान के लेते हैं, मक्के के लिए लेते हैं, फल्ली के लिए लेते हैं, तो उसमें जालियां बदलनी होती है, तो वो एक सिंगल बंदा इसे कर सकता है सिर्फ चार बोल्ट को ही बदल के। इसके अलावा किसान भाइयों इसको देखना, मेंटेन करना भी काफी ज्यादा आसान है, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो बोल्टें दी गई है ये सिर्फ दो बोल्ट आपको खोलना है, और अंदर की जो जालियां हैं, छन्नी है, वो भी आप एक सिंगल बंदा ही इसे बदल सकता है। किसान भाइयों टोकरी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे गियर सिस्टम दिया गया है, और ये लॉकिंग सिस्टम है जहाँ पे आप ला के रखेंगे, ये आप देख सकते हैं ये लॉक होते जा रहा है, ये देखिए आप सिस्टम इसका बहुत शानदार है। अगर आप सामने से देखेंगे तो टोकरी आपको उठता हुआ भी दिखेगा, आपको मैं सामने भी दिखाता हूँ, देखो खोलने वाले ये किसान भाइयों इसमें टेंशन जाएगा और ये टोकरी आपको उठता हुआ भी दिखेगा। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, ये सिंगल गियर लीवर से ही टोकरी जो है
वो उठने लग गया। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें और भी बहुत शानदार फीचर दिया गया है, जो कि है ये आप देख सकते हैं, ये जो है इस छन्नी को जो झुलाता है, लेकिन सभी थ्रेसर झुलाता है, इसमें अलग क्या है चलिए मैं आपको पीछे ला कर दिखाता हूँ। इस बेल्ट के माध्यम से आप यहाँ अगर जूम करके आप दिखा पाऊँ मैं, अगर आपको आप अंदर से लेके दिखे, अगर मैं आपको अंदर से दिखा पा रहा हूँ तो ये जो पुल्ली आप देख रहे हैं किसान भाई, यहाँ पुल्ली पे एक साफ्ट बना हुआ है, जो अंदर के मटेरियल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं बाद में वही जाम करते हैं, तो वो इस पुल्ली के माध्यम से उसे फैला देते हैं ताकि जो फसल है वो अंदर अंदर फैल जाए और जिससे कि दाने भी साफ आए, परफॉर्मेंस भी अच्छी निकले। तो ये क्वालिटी जो है वो मालवा थ्रेसर कंपनी, जो कि हम फैक्ट्री के अंदर ही बैठ के यहाँ पे वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। इसके अलावा किसान भाइयों जो थोड़े मोड़े मिट्टी या फिर कचरे निकल जाते हैं तो वो आपको यहाँ से ही निकल जाएगा, जो कि यहाँ से बाहर हो जाएगा, जिससे कि जो फसल है आपकी बिल्कुल साफ और अच्छी क्वालिटी की निकले। टायर साइज भी अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी टायर यहाँ पे लगा है, लोग 7 नंबर यूज करते हैं। इस थ्रेसर में 8/25/16 का टायर लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको पीछे लेकर आऊँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर ब्रांडिंग, ये नंबर प्लेट है यहाँ पे लगा हुआ है भैया, और ये जो है आप देख सकते हैं इसमें पूरी मैन्युफैक्चर कब हुई है, कौन सी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट मार्केट में बहुत जाते हैं वो आप इससे पहचान कर सकते हैं। इस थ्रेसर का जो टोटल वजन है वो 2150 किलो है, जो इस सेगमेंट में काफी हेवी ड्यूटी मटेरियल यूज करने की वजह से इसका वजन जो है वो काफी बढ़ भी जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें जो है 3 लोहे के चक्के लगे हुए हैं, 2, 1 आगे 1 पीछे और 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड के लिए, जो कि इसकी लोड को भी काफी ज्यादा बांट देता है और अच्छी परफॉर्मेंस ये निकाल के देता है। इसके अलावा इसमें जो लोहे लगाए गए हैं वो आपको चेकर चद्दर मिल जाता है, इसके जो एक्सल लगाए गए हैं वो बॉक्सी टाइप के हैवी ड्यूटी आपको एक्सल इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि थ्रेसर ये जो मालवा वालों ने बनाया है वो किसानों को देखते हुए उनकी जरूरतों को समझते हुए बहुत ही शानदार किस्म का थ्रेसर ये लेके आए हैं। मैं सरदार जी से जानना चाहता हूँ, सरदार जी आप ये बताएं अभी जो गवर्नमेंट भी सब्सिडी वगैरह भी दे रहे हैं जी, जी, तो क्या आपकी इस थ्रेसर में वो सब्सिडी मिल पाएगी? मिलती देंगे आप जी? जी क्या बात है, अगर कोई बंदा आपके यहाँ विजिट करना चाहता है आना चाहता है तो कहाँ आएगा वो? यो अपना फ्रूट है पास है यो, हाँ सब्सिडी जो जहाँ भी लेगा वहाँ से मिलेगी उसको, जो उनसे क्षेत्र में अपने क्षेत्र में ले सकता है जी, जी। तो उनको सर्विस की भी दिक्कत नहीं होगी, उनको माल उठाने की भी दिक्कत नहीं होगी, सब प्रॉपर तरीके से होगा। इनका डिफरेंट डिफरेंट मॉडल एरिया भी आता है किसान भाइयों, और आपको रबड़ की क्वालिटी भी अगर मैं दिखा दूं तो वो भी आपको अच्छी ब्रांडेड यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इस थ्रेसर को चलाने के लिए किसान भाइयों लगभग आपको 40 HP का ट्रैक्टर चाहिए, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस थ्रेसर में 1 घंटे के पीछे कितना फसल ये साफ करके देगा? 40 बोरा निकालता है। 40 बोरा निकाल देगा धान का? धान का हाँ, बाकी धान का 40 बोरा ये निकाल देगा। और गेहूं में? गेहूं में थोड़ा जोर लगता है क्योंकि तूड़ा बनाना पड़ता है ना, उसका भूसा बरीक करना पड़ता है, पैरा खाली बाहर निकालना। अच्छा जी, तो उसमें कितना बढ़िया करता है उसमें? तो उसमें कितने कम बोरे आएंगे? उसमें थोड़ा फर्क पाएगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन धान में 40 बोरा तो ये निकाल के देगा। ये मल्टी क्रॉप है, हर प्रकार की फसल निकालता है, हर एक तरह की फसल निकालता है। हाँ जी, जो भी फसल है बिल्कुल। तो किसान भाइयों आपने देखा जो मालवा का जो मल्टी क्रॉप थ्रेसर है जिसे साइड टोकरी मॉडल बोला जाता है, उसके फीचर्स बहुत लाजवाब दिए हुए हैं जो किसानों के बिल्कुल काम आने वाले हैं। और साथ ही एक आखिरी फीचर्स भी मैं आपको बताता चलूं, अगर आपके धान पे या फिर कोई फसल में थोड़े बहुत काड़ी रह जाते हैं या हार्वेस्टर करने के बाद भी रह जाते हैं, जहाँ करने के बाद जो रह जाता कचरा नीचे, हाँ जी हाँ, वो टोकरी अंदर नहीं लेके जाती, हाँ जी वो फिर इसमें हो जाता है, वो छोटे मटेरियल आप यहाँ से डाल के और पूरी तरीके से साफ ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जो डालते हैं ना इसमें पैरे बड़े होने चाहिए जी जी हाँ, जो बाद में रह जाता है उसमें हो जाता वो उसमें हो जाता, बारीक अगर मटेरियल है तो आप उसमें ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाइयों आपने देखा बहुत हेवी ड्यूटी से बनाया गया है, 2150 किलो का ये अपना थ्रेसर मिल जाता है, जिसमें काफ़ी हेवी ड्यूटी मटेरियल यूज़ किया गया है, हर एक चीज़ को बारीक से बारीक ध्यान रखते हुए बनाया, चाहे आप सूखी फसल लेते हैं या गीली फसल लेते हैं तो दोनों मटेरियल आप इसमें ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी आपका, काफ़ी अच्छी आपने थ्रेसर बनाया और हमें मौका दिया ताकि हम आपके यहाँ आके वीडियो बना सके और किसानों तक पहुँच सके, ताकि आपकी जो क्वालिटी है वो किसानों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं किसान भाई ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ इस थ्रेसर से सीखने को जरूर मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, मैं समाप्ति करना चाहता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।